राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड में भी हलचल तेज है। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के चुनाव मैदान में आने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा पशुपेश में है। इन सब के बीच एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से समर्थन देने का आग्रह किया है। द्रौपदी मुर्मू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फोन कर राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम का समर्थन मांगा है और इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुभकामनाएं व्यक्त की। द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच हुई इस बातचीत को लेकर हालांकि जेएमएम के कोई नेता स्पष्ट तौर पर बोलने से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि शनिवार को जेएमएम की बैठक में राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में चर्चा की गई और बाद में सर्वसम्मति से निर्णय लेने के लिए केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को अधिकृत किया गया। वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बार्गेनिंग नहीं करना चाहती और देश की अस्मिता में पार्टी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक हुई, तमाम अपने विधायकों से, अपने वरिष्ठ नेताओं से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विचार विमर्श किया और विचार विमर्श के उपरांत झारखंड सुप्रीमो आदरणीय गुरु जी को इसके लिए अधिकृत कर दिया गया। तो स्वाभाविक तौर पे पार्टी है, पार्टी के वो सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अधिकृत करना ही चाहिए था और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया भी। और गुरु जी राज्य और देश दोनों की राजनीतिक हालातों से बखूबी परिचित हैं। हमें लगता है कि गुरु जी का निर्णय आने दीजिए, गुरु जी के निर्णय आने के बाद ही इस विषय पे कुछ कहा जा सकता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव है और उस वक्त अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व को यह लगता है कि यह बार्गेनिंग करने का अवसर है तो मैं समझता हूं कि राज्य को शर्मसार करने वाली स्थिति होगी, क्योंकि राज्य की सत्ता आपके हाथ में जरूर है लेकिन राज्य की अस्मिता और राज्य की मर्यादा का भी ख्याल रखना आपका काम होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या तो यूपीए के प्रत्याशी के साथ हो या एनडीए के प्रत्याशी के साथ, वो उसका अपना निर्णय हो सकता है लेकिन कोई टोलमोल की स्थिति न बने, इसके लिए ये सलाह है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से कि इस कवायद से बचें।